In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Phir Hera Feri. Dosto movie Phir Hera Feri, jo release hui thi 9 June 2006 ko. Ye ek Bollywood crime comedy movie hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director aur writer hai Neeraj Bohra. Iske producer hai Firoz Nadiyawala. Chaliye baat kar lete hain cast ki. Isme Akshay Kumar, Sunil Shetty, Paresh Rawal, Rimi Sen, Bipasha Basu, जॉनी लीवर और राजपाल यादव ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा भी फिल्म में काफी सारी कास्ट नजर आई थी। आपको बता दें कि साल 2000 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी। अब जो फिल्म है फिर हेरा फेरी, ये हेरा फेरी का सीक्वल है। अब इसके जो मेकर्स है उनकी प्लानिंग है इसका थर्ड सीक्वल बनाने की, जिसकी स्क्रिप्ट जो है उस पर काम करना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उसमें फिर से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लीड रोल में लिया जा सकता है। अब फिल्म जो है फिर हेरा फेरी, इसकी स्टोरी के कुछ सीन्स का आइडिया एक ब्रिटिश मूवी से लिया गया था जो आई थी 1998 में। मूवी का नाम था लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स। और जो फिल्म में जो एंड के फिल्म का जो एंड था उसमें जो सर्कस का सीन दिखाया जाता था उसका आइडिया चार्लिन चैपलिन की मूवी द सर्कस से लिया गया था जो आई थी 1928 में, यानी कि 1928 में। चलिए बात कर लेते हैं कलेक्शन की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 40 करोड़ 81 लाख रुपीज का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 58 करोड़ 8 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 11 करोड़ 4 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी, 11 करोड़ 4 लाख की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 69 करोड़ 12 लाख रुपीज का। इसका बजट था 18 करोड़ रुपए का। अब 18 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 40 करोड़ 81 लाख रुपीज का। अब फिल्म के जो इंडिया की वर्डिट थी इंडिया के कलेक्शन के पर्पस पे वो थी सुपर 8 की, लेकिन अगर मैं इंडिया का नेट और इंडिया से बाहर दोनों को इंक्लूड करके वर्डिट की बात करूं तो फिर हेरा फेरी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिट थी वो थी ब्लॉकबस्टर की। अगर मैं गानों की बात करूं तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे, कुछ गाने सुपर हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था HR यानी कि हिमेश रेशमिया ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।